नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको राशन कार्ड से जुड़ी हुई जानकारी दूंगा। दोस्तों भारत सरकार ने राशन कार्ड की सेवाओं में दो महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं और दोस्तों ये बदलाव आपको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों राशन कार्ड से जुड़ी हुई मैंने पहले ही वीडियो बनाई है, अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। और दोस्तों हमारे चैनल पर जाकर आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि कौन सी वो दो महत्वपूर्ण चेंजेस राशन कार्ड के लिए किए हैं सेवाओं में। तो वो हैं, देखिए अब आप किसी भी अगर स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं, मान लीजिए आपके गांव का राशन कार्ड बना हुआ है और आप किसी काम या किसी भी सिलसिले में आप वहां से छोड़ के कहीं दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाते हैं, तो अब आपको नया राशन कार्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था, पहले हम दूसरे राज्य में जब शिफ्ट हो जाते थे अपने काम से ताल्लुक़ रखते हुए या किसी और सिलसिले में, तो हमें उस राज्य में अपना नया राशन कार्ड बनवाना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको जो पुराना राशन कार्ड जो बना हुआ है, चाहे वो किसी भी राज्य का है, वही आप पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी उससे राशन आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था पहला बदलाव कि आपको अभी कहीं अब दूसरे स्टेट में जाकर नया राशन कार्ड बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही आधार कार्ड की तरह, जैसे आपका आधार कार्ड पूरे भारत में लागू रहता है चाहे आप कहीं पे भी रहिए, उसी तरह से आपका राशन कार्ड भी पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया है। अब बात करते हैं दूसरे चेंजेस की, तो वो है जब आप राशन लेने जाएंगे तो राशन लेते वक्त आपसे सिग्नेचर तो लिए ही जाएंगे, साथ ही साथ अब आपसे बायोमेट्रिक निशान यानी कि आपके उंगलियों के निशान भी लिए जाएंगे मशीन के ऊपर। जैसे आपको आधार कार्ड के वक्त आपसे उंगलियों के निशान लिए गए थे, उसी तरह से अब राशन देते वक्त भी आपकी उंगलियों के निशान लिए जाएंगे, ताकि राशन में जो हो रही धांधली है उसको रोका जा सके। क्योंकि राशन किसी और को दे दिया जाता था आपके नाम पर और आपसे कह दिया जाता था कि राशन नहीं है या आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो इन चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ये चेंजेस किए हैं कि अब राशन देते वक्त आपकी उंगलियों के निशान भी उस पर आपको देने पड़ेंगे वहाँ पर मशीन पर, ताकि इन धांधलियों को रोका जा सके। तो दोस्तों ये थी दो महत्वपूर्ण जानकारी राशन कार्ड से जुड़ी हुई। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहें। क्योंकि हम इससे और ऐसी सेवाओं से जुड़ी हुई बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपने चैनल पर लगातार लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर देखिए और आपका सहयोग हमें बहुत ही ज़रूरी है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।